देवसी असम दिशा और इन दोनों के बीच में ये यहां दोनों टीम का सफर है एक लग तबका और देखना होगा इस फाइनल मुकाबले में एक सुंदर मुकाबला को खेलेंगे और इसी बीच में एक खतरनाक खिलाड़ी संतोष का एक बेहतर क्रॉस लेकिन क्रॉस बार से टकरा कर गेंद कहीं ना कहीं और साथ ही साथ वहां बेहतर पंच आउट भी था गोलकीपर लकीन तो टूटू का और ऐसे में कॉर्नर का डायरेक्शन और पेश है गेंद कहने के गोल लाइन से बाहर और सपोर्ट हाले ले जाम का लगी थे और बेस बचाओ रुका 2023 रा सीजन है उका नवा साइज सपड़ा लेन तीन दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट दुर्गा पूजा शुभ अवसर है आ नवा ना फाइनल मुकाबला बुन जले का मीसे कौन चंपनगर टीम और मीसे कौन दो आ नवा तला ने कौन सुबह लगन खिलाड़ी आ नवा सा सुगतगी सुदना बीटेन बेहतर गोल नवा फाइनल मैच रे आप मैच ना रोमांस बढ़ा जरूर सीधा जे बना टीमा सोच बना बना टीमा बीटे की मंजिल तभी पास करो ना सपना बना तकिना जे या टीम दो 1,00,000 तभी इन चले रहा पहनते हैं बेन था ना कुछ टीम दो ना 1,00,000 के पड़ा और कुछ दो 80,000 दो तलाने माइकल थे बॉल नेतपीन बा मजबूत मुकाबला हाँ तो वाता लगा ले कौन बीटन बेहतर क्रॉस सहेगन गया गया बेन कन बॉल सीधे गोल लाइन को बाहर तय और उसका सोच और उसका सपना बना बकर बेन खान वहां बेच रहे था कोई उसका सपना करा भरसो को उसका सपना जल का उसका तुकमो जल का तो कोई टा टीम आ रहा पूरा गला बंद है और इसी बीच में इस बार सुगन गेंद को लेकर तेज रन लगाते हुए सुंदर क्रॉस सेकेंड गोल की तैयारी लेकिन इस बार सुंदर रिकवरी गेंद को लेकर इस बार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसी बीच में इस बार लेकिन इस बार लेकिन तो टूटू का एक अच्छा सा कलेक्शन और बॉल पैसा नहीं था हमने कौन कौन थ्रोइंग बॉल है तेरे रिस्टर्ट चुका होगा ना और नहीं तो ये देखो बबलू बॉल वापसी ना फिराग रहे सफल अंतर पास बेनकम ने कौन सेकेंड गोल ला तैयारी पर कनवा दो थोड़ा ज्ञान सही शॉट बाल आनवाल करते बॉल लो चला सीधे गोल लाइन कौन बाहर है
throwing ball. गेम को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास, लेकिन बैक पास के लिए वहां से चंपानगर की टीम एक सफल अंतर पास, वहां से दो लड़के बीच से गेम को निकालने का प्रयास, लेकिन गणेश के द्वारा एक बार अच्छा सा पास हुआ टीम के कैप्टन इस बार बाबू रामदेव लंबा गेंद को सरका दिया है स्थापन के क्षेत्र में, लेकिन गेंद सीधे टच लाइन से बाहर। फिलहाल ऋषभ भाई थ्रोइंग बॉल और टीम के कैप्टन यहां से थ्रोइंग लेते हुए कहीं ना कहीं दंगल करा साम दिसम टीम उका तो सेमीफाइनल मैच रहे सात गोटे गोल को दगाल दा और सात गोटे गोल कर दे कहीं ना कहीं नको टीम दो फाइनल घटी को सेटर करा और उन्हें हो गोपी कंदो लगान मजबूत टीम उका तो सेमीफाइनल लगान महत्वपूर्ण मैच रहे मैदानी जग रहे सात गोटे गोल कर को नुकु टीम का दो फाइनल धबी को सनेर करा और नोडम जर का नुकु अपोनेंट टीम एफसी चंपानगर टीम दो सेमी फाइनल बेच रहे बार गुटे गोल कर नुकु फाइनल धबी को सनेर करा थोड़ा इधर देखो मेन काउंटर में टेन अच्छी बेहतर माइकल प्रयास है करा थोड़ा गन अगर लगातार बचाते चला रहे इनका तो निश्चित गौने को एक एक ना बराबरी नवा बेच रहे हुई को क्या ओकादो स्टेडियम टाइम से ने का खेला रन बना आ तो दायक से ओलापुर क्लियर आ पास से नेता प्लान हा को सिग्नल कर आ तो नाइट का दहार दायक पे सीधा ऑडियंस को मिला बना ना दहार आ रहे दायक पे पर क्लियर बा आ प्ले हमारे फिलहाल बीते भी बॉल पेशन दे दिया खान ले पाला पास संतोष चित्र ने बेन खान बॉल चला लेकिन तो टुडवा ग्लव्स ने लंबा हवा भाई शॉट मेरे कन्या तभी सीट है बॉल सीट होने को इस्तेमाल करती है इस्तेमाल होने को बड़ी न पाए होने को क्रॉस से करती नहीं है मेरे कन्या बॉल थोड़ा कर रंगा बचाए पास के दामन लगाते बॉल लो गोल लाइन को बाहर तो यहाँ से देखना होगा दोनों टीम एक उम्मीद के साथ खेलते हुए कि भाई अपने टीम को विनर टीम बनाऊंगा और उसी सोच उसी उम्मीद को लेकर ये मैच को खेलते हुए, लेकिन यहाँ वर्षों का जो सपना है दोनों टीम का और किसका सपना सच होता है, क्योंकि यहाँ दोनों टीम ने सपना को देखा है जरूर कि भाई अपने टीम को इस गुसाईपुर के ऐतिहासिक ग्राउंड में भाई अपने टीम को विनर टीम बनाऊंगा और उन्हें मोटरसाइकिल पहले पे धाव करना ढलाई रोड है दया करते उन्हें को नचक तो उनपे दहाड़ क्लियर पे और मेन रोड करूं का तो थोड़ा टच लाइन से बाहर और निश्चित रूप से थ्रोइंग बॉल
और अच्छा थ्रोइंग करने के बाद सीम ने गेंद को सरका दिया है इस्तांबुल के अंदर। इस्तांबुल इस बार गेंद को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसमें नेपाल का एक समर्थर पास टीम के कैप्टन को ढूंढ के निकला था बाबुरा मरंडी, पीछे को पास बढ़ाया बाबू सोरेन के लिए। बाबू ने लंबा शॉट खेला संतोष के क्षेत्र में, संतोष गेंद को लेने के बाद अच्छा लेपेटिंग शॉट हुआ इस्तांबुल के क्षेत्र में। बॉल कहीं ना कहीं फिलहाल टच लाइन को बाहर चलाओ पड़ा। फाइनल मुकाबला पहल हाफ का मैच बैंकॉक पहल हाफ है, बी घुटे गोल को दगाओ का चंपनगर टीम बैंकॉक ने मैच वापसी की थोड़ा गन मैच रे सुधार को होगा नहीं तो आसाम सब टीम ने कैप्टन पेन बाबरबा डी बेहतर क्रॉस बैंकॉक लकीन तोवा थर्टी नपाय कलेक्शन कोई मौका की बात उठाए असम टीम लगे असम दिशा टीम लगी एक सुंदर खेल बैक पास करने के बाद इस समय गुमित का बहुत ही सुंदर पास है प्ले ऑन का संकेत, लेकिन वहां से गेंद को वापसी कर लिए असम दिशा टीम के खिलाड़ी ने। चंपानगर की टीम आठ नंबर के लिए गेंद रामू पासी है आठ नंबर में, बहुत ही सुंदर क्रॉस खेला है सीधी पेनल्टी बॉक्स के अंदर। पीछे बीच में बीच बार सुधर गेंद कहने के टच लाइन से बाहर और एक छात्र कौन क्रॉस रहा प्रयास बट्टी नपाई क्रॉस बैठ गया मतलब सीम समर पास हो नेपाल लगे नेपाल दौड़े कौन आने सुनिंग थे गेंद लगे बाइक ले गति के बाइक ले देखो बट्टी नपाई मीटिंग घड़ी ठोकते है अरे सुनी गति को इतनी मीटिंग घड़ी मतलब पिपे गुटे खिलाड़ी ने पिट का हुआ माइकल बाइक ले देखो पूर्ण गुटे खिलाड़ी पिट करते हैं नेपाल पास एम कर दिया नेपाल दौड़े को अरे सुनी गति सदा तो अरे जब पाई पास लगाओ का दे बैठ गया बॉल चला सीधे लकी तो टुटवा ग्लव्स रहे हां लकी तो तुरंत गेम ने अरे हाफ लाइन खिलाड़ी गति के दिया खिलाड़ी संतोष तुरी होगा तो 17 नंबर जैसे का आसाम दिशा टीम से कौन और ना हो सेमीफाइनल मैच रहे हैट्रिक गोल दगाला हर लड़े कौन हाँ बीते कौन पड़ी जा पाई शॉट बैठ कर बॉल की इतनी अंडे कौन बॉल वापसी ना प्रयास रहे लंबा पास संतोष लगे संतोष दो ने समर्थन पास बढ़ाना प्रयास है कर दिया बैठ कर थोड़ा गन चेतन पे पास था नहीं थे बॉल को वापसी की अंडे कौन चंपा नगर अभी गेंद को जितने का प्रयास अच्छा है दर इसी बीच में वासी को कर लिया है लेकिन गेंद पेशन अब 17 नंबर के पास गया
गेंद को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसमें गेंद को सिर्फ पुनः रामू के पास गया। रामू ने बहुत लंबा शॉट खेला अपने राइट फिंगर के क्षेत्र में। धन्यवाद, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी रेफरी ऑफिशियल टीम को। कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन बहुत ही सुचारू ढंग से इस मैच को संचालन किया है, प्रत्येक मैच को सुचारू ढंग से यहाँ संचालन करने के लिए। मैं खुद मंगल सोरेन, मैं सभी रेफरी ऑफिशियल को भाई दिल की गहरा से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साथ ही साथ भाई शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सभी ऑडियंस को। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग डे से आज समापन दिन तक सभी ऑडियंस का बहुत ही अच्छा सहयोग और सपोर्ट रहा है, इसलिए इस क्लब परिवार की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद के पत्र होंगे। वहाँ संतोष का पास जरूर था, लेकिन थोड़ा सा विश्वास था उसी में गेंद पोजिशन इस बार चप्पन करके टीम, लेकिन गेंद जाएगी फ्री फ्री सीधे गोल लाइन से बाहर। गणेश का एक लंबा गोल के अच्छा से डाउन स्पीच, माइकल पीछे गोल पास बढ़ाया ओपन के लिए, बिना वासे गेंद को सरका दिया है इस बार संतोष के क्षेत्र में। संतोष वहां गेंद को लेने का प्रयास किए थे, लेकिन इस समय फुल बैक के द्वारा इस बार वापसी कर लेंगे गेंद को और लंबा वापसी। फिलहाल गेंद पोजिशन इस बार संतोलाल सोरेन टीम के कैप्टन ने वहां पास बढ़ाया रामो के लिए गेंद, रामो ने वैसे पास बढ़ा दिया है, सीधी प्ले उड़ जाएगी इस बार। हाँ रणदीप ने पाई खेल दबा फाइनल मैच बढ़िए पर झुपर खेलो Thank you.
சாசுகேதிகி ஹலோ ஹலோ ஹாரா செகண்ட் ஹாப்ல மேட்ச் ரிஸ்டார்ட் சுகவுக்குறான் வா பரல் முகவலான்னா ஹாரா पहल हाफ रे गुटे गोल को दगाओ का चंपन गटी बेनकन बस हर एक गन से बारे रहा से लगना स्ट्रेटजी ने हमको बनावा कहीं ना कहीं डेवियल का आसाम दिसम टीम से कौन और बीच में बाइकर के पास गेंद बाइकर पेनल्टी बॉक्स में गेंद को झोंक दिया ऐसे भी वहां से गेंद को वापसी करने का प्रयास और सुंदर वापसी और यहां से दोनों टीम ने सपना को देखा है जरूर वर्षों से जो सपना देखा है कि मैं अपने टीम को विनर टीम बनाऊंगा इस रॉयल स्पोर्टिंग क्लब गुसाईपुर के ऐतिहासिक ग्राउंड पर लेकिन देख रहा होगा आखिरकार कौन सी टीम विनर टीम रहेंगे और कौन सी टीम रनर टीम बनेंगे कहीं ना कहीं यहाँ एक सुंदर खेल फिलहाल थ्रोइंग बॉल गोविंद के पास गेंद गोविंद ने वहां से नौ नंबर को खेला था लेकिन इसमें गेंद को वापसी कर लिए और आप गणेश के तुम्हारा अच्छा है डर हेलो हेलो और फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं एक शून्य का बढ़त को लेने के बाद थोड़ा सा मैच में सुधार लाई है इस बार आसाम दिसम की टीम और ऐसे में एक सुंदर सा कहावत है एक मोटिवेशनल के माध्यम से कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है शबा परवाने को जलना सिखाती है शाम सूरज को जलना सिखाती है सभा परवाने को जलना सिखाती है इंसान को तो होती है तकलीफ मगर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है तो ऐसे एक ठोकर मिलने के बाद अभी थोड़ा सा सीख मिला है जरूर निश्चित रूप से इस बार आसाम दिसम टीम के खिलाड़ी को लेकिन क्या सीख मिला है यहाँ अपने पक्ष में एक गोल आने के बाद लेकिन इस समय यहाँ मैच को वापसी करने का प्रयास कर रहा है इस बार आसाम दिसम की टीम लेकिन क्या इस सेकेंड हाफ के महत्वपूर्ण मैच में मैच को वापसी कर पाएंगे क्योंकि सेमीफाइनल मैच का अगर रिकॉर्ड को आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के महत्वपूर्ण मैच में एएफसी आसाम दिसम टीम ने 7 गोल किया था और 7 गोल करने के बाद कहना कि अपना टीम यहाँ फाइनलिस्ट बनाए हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर सफल दबा है यहाँ आसाम दिसम टीम का सरीगिर दम जलकर पिछला रिकॉर्ड उपा दो सेमीफाइनल का मैच ना रिकॉर्ड दम जलकर ने आसाम दिसम टीम से कौन जीता जाए चौथो खन जस्ती गोल वाला टीम आसाम दिसम टीम जीता जाए सेमीफाइनल मैच रहे उपा दो रेगुलेशन टाइम तक बेताबे 7 गुटे गोल के दा और 7 गुटे गोल के दा कहीं ना कहीं अगवा टीम नो आप फाइनल दबे कुछ कर का तो देखो नियल बोल चेन वाप में गुटे गोल लगा दबा मिला को वापसी नडे कला से बाद हसाब दिसम टीम मेन कर क्षमता मिला देखो चिताई जोड़े स्ट्राइकर जोड़े मिल का संतोष तुरी सिर्फ लेफ्ट विंगर मिल का माइकल बनाए 7 नंबर और माइकल के बॉल पड़ाव करा माइकल दौड़े सीधे गति के लिए सीधे ओपन किया उन्हें अमीन लगे इधर बेहतर तालमेल बनकर नवा सेकेंड हाफ रहा आसाम दिसम टीम से कॉल
लंबा पास बेंकन नेतनी बॉल पोजीशन डेनियल खान अच्छा ताल बेल बनाना प्रयास टाइम से गति रिसीव लगी सीम तो देखो नेपाल आ चित्र है बेंकन देखो ऑफ साइड संकेत और देखो नहा बीटे इन डायरेक्ट फ्री किक से देखना होगा बेशक फाइनल मैच में कौन सी टीम विनर टीम बनेंगे और किसका सपना यहां सच होना है। और इसी बीच में बार नेपाल गेंद के पीछे तेज रन लगाते हुए बहुत सुंदर क्रॉस लेकिन वहां से फुल में गेंद को वापसी कर लेंगे और सुंदर वापसी गेंद को वहां क्लियर करने का प्रयास लेकिन गेंद जाएगी टच लाइन से बाहर। बॉल बॉय और ट्रेन बॉल सिद्धार्थ बच्चा ट्रेन लेकिन टीम के कैप्टन इस बार संतला के लिए संतला इस बार एक लड़ को ड्रिबल करने के बाद सफलता पास बढ़ाया जरूर वहां से लेकिन हम बेसरा के क्षेत्र पर गेंद को सटका दिया था। बेची बीच में इस बार 14 नंबर वहां से अपने शपुंडी को खेलने का प्रयास पुनः फिर से 14 नंबर को खेल लिया है सीधी मौका लेने का प्रयास लेकिन गेंद सीधे गोल लाइन से बाहर और बीच में छोटा सा गोल की करने के बाद लंबा पास लेने का प्रयास इसी बीच में इस बार गेंद के पीछे वहां स्थापन गेंद को जीतने का प्रयास लेकिन गेंद टच लाइन से बाहर और बहुत ही सुंदर इस बार माइकल का क्रॉस नेपाल के क्षेत्र में गेंद को छुका है। नेपाल इस बार गेंद को जीतने का प्रयास लेकिन गेंद कहीं ना कहीं गोल लाइन से बाहर और पेश है एक गोल की खबर एक अच्छा गोल की बीच बीच में इस बार 14 नंबर राजेश गेंद को जीत लिया है गेंद को जीतने के बाद एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने के बाद लेकिन इसमें पीछे की ओर पास बढ़ाए थे लेकिन अमिन ने गेंद को ले लिए पीछे बीच बीच बार राजीन बाग गेंद को जीतने का प्रयास किए थे बाबलू के द्वारा सुंदर क्लियर और गेंद सीधे टच लाइन से बाहर जो सपना है किसका सच होना है और एक मोटिवेशनल केंद्र से यही मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ से जो सपना को देखा है यहाँ दोनों टीम ने और सपना उन्हीं का सच होता है कि सपना उन्हीं का सच होता है जिनके सपनों में जान होती है सपना उन्हीं का सच होता है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त हौसलों से भी उड़ान होती है तो यहाँ से हौसला रखने की जरूरत है इस समय असम असम टीम के खिलाड़ियों को मंजिल तक पहुंचने के लिए और जो सपना है साकार करने के लिए
लेकिन अभी भी समय है, असेंबली समिति के पास कभी भी विवेक को वापसी कर सकते हैं, बसरते इनका प्रयास संघर्ष होना चाहिए। निश्चित रूप कॉर्नर नवा बेच रहे हैं उनका टीम दो 1,00,000 पड़ा और उनका टीम दो 80,000 और नवा फाइनल मैच रहे 20,000 तक का अंतर और उन्हें इतने की जान के लगा होगा मेरे क्या उन्हें सुनी ला अट्टी नपाई कलेक्शन डेट अभी अपने कॉम बारह नंबर लगी बॉल लखीराम बेसरा हालोई खिलाड़ी यहां सेमीफाइनल मैच रहे पार मोटे घूमता है गंदे मेरे का टीम बेहतर आया टीम लगी योगदान है उनका मेरे का बता रहा खेलो 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 बस और बॉल चला सीधे गोल लाइन कौन बाहर है गणेश बास्केट है बॉल गणेश ने देखो लंबा लाइट शॉट बाइक के लक्ष्य तरह बेंकन बाबू सोनेंट है बॉल बाबू का पास उन्हें देखने दे सिद्धार्थ लगे बेंकन पासिंग ऊपर से मिल कर ले असम मिशन टीम से को अधिक बेहतर बेंकन खेल तो गोल तो को टाइम जो बना बेंकन खेल 50-50 डबल कमला अगर वह गोल बड़ा गिरी का था तो निश्चित रूप से नवा मैच 50-50 नवा कुंटे से लगा मैच का पहल हाफ रहे नहीं कुटे गोल को लगा होगा कहीं ना कहीं चंपा नगर टीम और उनका गोल थी 1-0 बहुत रन बना को चंपा नगर टीम लंबा गोल की बबलू सुनन देखो अट्टी बेहतर बॉल है वापसी इधर का डिफेंस लाइन में खड़े अगर हम जल का तो बबलू अट्टी बेहतर है खेल का आज पार्टी लगे और उन्हें होल्डिंग में फिटर कौन सी बड़ी मौज उन्हें पासे सुनन का बॉल सप्लाई ना कभी करा मेरे का मतलब है प्लेयर उठा सके उन्हें चाहिए मैच को वापसी दिलाए तला सभा संतोष लेकर खिलाड़ी मेन का उन्हें कौन संकेत है चुका होकर और होने को नहा मीटें फ्री किक ना उसको जवाब निश्चित रूप से चंपन गति लेकिन संतोष वहां मौका बना रहे थे लेकिन एन वक्त पर वहां डिफेंस लाइन की खड़ी उनको बहुत ही सुंदर
कवरिंग क्या पिछले दिन में इस बार गेंद पोजीशन होली मिडफील्डर के खिलाड़ी ने गेंद को सरका दिया है इसी बीच इस बार सेकंड गोल की तैयारी किया यहां से सेकंड गोल होना है इस बार 12 नंबर और जी हां इसी के साथ ये सेकंड गोल लखीराम बेसरा के द्वारा और लखीराम का सेमीफाइनल मैच में कहीं ना कहीं दो गोल सेमीफाइनल मैच में लखीराम बेसरा ने दो गोल लगा था और इस सेमीफाइनल के महत्वपूर्ण मैच में एक गोल लगा है। अब मजबूत पकड़ चंपा नगर की टीम माइकल के लिए गेंद माइकल ने वहां से एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने का प्रयास और निश्चित रूप से इस बार गेंद पोजीशन गुमी का एक समर्थन पास हाफ लाइन के खिलाड़ी को पास बढ़ा दिए हैं पीछे बीच में अभी वहां एक खिलाड़ी को बीट करने का प्रयास किए थे ऐसे में इस बार धीरे धीरे गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास इस बार चंपा नगर की टीम इस बार तीसरे गोल की तैयारी लेकिन इस बार फुलबैक के द्वारा सुंदर वापसी और गेंद माइकल के कब्जे में माइकल ने वहां से बंद फिर पास खेला प्रेस अपोनेंट के लिए इसी बीच धीरे धीरे गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास इसी बीच प्लेऑन का संकेत इस्तांबुल गेंद के पीछे राइट प्ले के क्षेत्र से इस्तांबुल क्रॉस लेने का प्रयास करेंगे लेकिन गेंद लिलो को कैप्चर में लिलो ने को तीन अपॉइंटमेंट एक खिलाड़ी ठोक दिया बेंकर टाइम से पुनः आर को गति जम रहे डिफेंस लाइन में खेल देंगे तैयारी लेकिन वहां गलत तरीके से गेंद को जीतने का प्रयास और निश्चित रूप से एक फ्री किक होगा इस बार असम दिसम टीम के लिए इसी बीच में इस बार गतिन गेंद को लेकर धीरे धीरे लेकिन समांतर पास बढ़ा दिया है लेकिन लकीन तो टोटो का एक आसान सा कलेक्शन और राइट फुलबैक को खेल दिए इसी बीच में इस बार गेंद को वहां होल्ड करने के बाद पीछे को पास बढ़ाया जरूर ले लो इस बार एक क्लर्क को ड्रिबल करने का प्रयास किया था लेकिन इसमें समांतर पास बढ़ा दिया है टीम के कैप्टन को ढूंढ के निकला है छत्तलाल छत्तलाल तो टाइम से देगा बॉल थोड़े हाफ लाइन एक खड़ी पास है बाबिया बेंटन बॉल ऐसा ऐसा से दे टच लाइन को बाहर और निश्चित रूप से रहा देखो थ्रोइंग बॉल छत्तलाल बॉल जीते होते देखो मैंने सुनी कहते बैठकर 12 नंबर और देखो तीसरा गोल ला तैयारी बैठकर तेज तरह छोड़ था गला गला थोड़ा गला गला हल्का जो सोन का वो पास है अंदर पोस्टर लगा वो कैमरा के थोड़ा गन ज्यादा जो शॉट करा प्रेशर बचा शॉट के ये थे बॉल पोस्ट पर बगल से परंदा फिलहाल सीन टेबल सीन डालने को टाइम से गति क्या टीम है कैप्टन रे बाबरा मरंडी लगे बाबरा मरंडी होली मैच पास से भराव करने चार नंबर लगे सुंदर क्रॉस होने का संतोष बन के नेतम बहुत जितना अपने आसे लगा ले गया आज सही कॉन्टेक्ट बंद बॉल साथ है लंबा प्लेडी चॉट नवतलम ने माइकल हेडर के जरिए में सुनील लगा थे क्या दिया सुनील लपुना माइकल लगे नीत भी हमने कौन बॉल पेशन अब इन दोनों ने टाइम सेटर के गणेश पास के लगे फिलहाल नीत भी हमने कौन माइकल बॉल वापसी ना प्रयास मेंकन बाबलू चेकर बॉल वापसी चुका होकर पिछले बीच में इस बार संतोष ने चाव गेंद को सरका दिया है लेकिन गेंद के पीछे इस बार लकीन तो फिलहाल इसमें
ये लोग हेमरम के पास गया, इसने बोलने गेंद को जीत लिया है सीधी, एक क्लब को ड्रिबल करने के बाद पीछे की ओर हाँ पास बढ़ाए संतोष के लिए, संतोष ने बाद पीछे की ओर खेला, इस बार अमीन के क्षेत्र में, अमीन ने बाद से इस बार गेंद को सरका दिया है और नीति भी उड़न जल कर लकीन तो थे बॉल और लकीन तो ने कौन लंबा हम भाई शोर दा प्रयास सातवां साहस में थे जिन हनवा बेचला फुल टाइम से आठवां बेच